जानवरों को सही है ना, रोज वो लोग बोर हो जाते होंगे, आज फिर से पोस्ट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इफ यू कमिंग टू दिस ज़ू, डोंट मिस दिस, दिस इज हाईलाइट ऑफ द शो। ओह शिट, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आवर गैंग हैज बिकम अ बिगर दिस टाइम, सो यू हैव मेट फ्यू पीपल हियर। दिस इज गौतम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम अ स्वैगी संतोष। ओके, दिस इज रमेश। रमेश, दैट्स भारती, रितिका, वेंकी, वेंकी, काव्या, ज्योतिषा, शिवा, शिवा। सो पता नहीं हम लोग कितने लोग हैं, सो वी हैव कम टू दिस ज़ू, दिस इज तरंगो ज़ू व्हिच इज इन सिडनी। सो प्लीज बी विद अस, इट विल बी सुपर फन एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। सो लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड, या बी राइट देयर। We are giving him a name, Swaggy Santosh. So, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। एंड फर्स्टली आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रिपब्लिक डे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया डे भी है, तो देयर आर टू रीजंस। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी, आज लोगों का हॉलीडे है, सो यू कैन सी द क्राउड हियर। आज कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है, और ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का, लाइक सब लोग ही फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है एक्सपीरियंस। और हालांकि ये बच्चे लोग की जगह है, पर बड़े लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ एक्सपीरियंस कहता है वो अंदर जाके पता चलेगा, तो बने रहो। गौतम, तो ये एंट्रेंस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट आर थिंग्स आर देयर हियर, बेसिकली आप क्या क्या कर सकते हो। स्काई सफारी है, फॉरेज है, गैराज है, कैफे है, जू शॉप, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं आपको, उससे जब आप टिकट बुक कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट है वो टिकट एक साल तक वैलिड है, यस, एक साल तक वैलिड है। एक साल में आप उसका डेट चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, एक साल तक वो एक्सपायर नहीं होगा। तो अगर आपको कभी नहीं जाना है किसी वजह से, तो यू कैन पोस्टपोन इट एज वेल। सही है ना ये? बहुत कड़क धूप है यार। क्या यार, किस चीज़ का फोटो ले रहे हो लोग? व्हाट इज इट, दिस रूप लुक्स लाइक स्नेक। जानवरों को सही है ना, रोज वो लोग बोर हो जाते होंगे, आज फिर से पोस्ट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग आ गए हैं। और यहाँ भी आज पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं, अगेन इट्स नॉट विजिबल टू माय आई। तो सबसे अच्छी बात है कि ये स्काई ट्रेन भी इसमें इंक्लूडेड है टिकट में, सो वी विल डू दिस एज वेल। नाइस, ये दूसरा भी आया, सही ना? तो ये है यहाँ से एंट्री। और ऊपर टिकट ना कंसीडर। There's another one. Just scroll down for me. Yeah. Perfect. Hello. Thank you. Thank you. Simple. Pretty simple. और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतना भीड़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो फिर भी इसके लिए भी सब मुश्किल है कि हाँ, जानवर वगैरह भी ठीक से दिख नहीं रहे हैं। तो मेरे पीछे स्काई दिख रहा है, स्काई केबल आपको। ये देखो यहाँ पे कोला है, ये ओ ब्लैक शर्ट, ए सफेद कपड़ा, ओ टर्न प्लीज, चलो इस तरफ चलते। क्या है अभी, क्या आ तो गए तो करना तो है। और हाँ, इसका टिकट कॉस्ट है लाइक $45, $46 ऑलमोस्ट। और अगर आपको
ऑनलाइन करते हो तो एंड इफ़ यू बुक इट लाइक थ्रू द काउंटर आपको कुछ $51 या $53 के आसपास पड़ेगा, तो बेटर बुक इट ऑनलाइन। और उसके ऑफर्स कभी कभी चलते रहते हैं वेबसाइट पे कूपन के थ्रू, तो वो भी चेक करो तो आपको और कम में हो जाएगा। Navin, sharply at 11 a.m. we have to go to see the Shield show. Shields. Okay. So it would be too good in the Tarangos, okay? Okay. So, one hour to go. One hour to go. All right. So I have to see where I am standing and where is the Shield show is going on. Dun, 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 dun. Are you able to see this image? और एक अच्छा पार्ट क्या है कि आपका जो टिकट है उसमें ना सबसे बेस्ट यहाँ पे जो चीज़ है वो है सील शो। बोले सील, आपने वो जानवर देखेंगे सील्स वगैरह, मैं आपको इमेज दे दूंगा वैसा। उसके 3 शो होते हैं, 11 बजे, 1 बजे और 2 बजे, तो वो मिस नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा शो होता है सील्स का, वो लोग करतब दिखाते वगैरह वगैरह, सो डोंट मिस दैट। तो हम लोग थोड़ा घूमेंगे और 11 बजे वो सील शो के लिए निकलेंगे जहाँ भी उस वक्त रहेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। सच ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सी। कुछ तो अच्छा दिखा, बड़ा जो डायरेक्टली दिख रहा है, जो डायरेक्ट दिख रहा है। हाँ, जूम नहीं करना पड़ रहा है। कितना मैजेस्टिक लगते हैं ना देख के वो। सेलिब्रिटीज के लगे अभी अंदर का ऑटोग्राफ लेना है। फोटो सेल्फ लगे हो गए। दे विल गिव अस लाथोग्राफ। ओ देयर इज अ ज़ेब्रा टू। तो ये देखो भाई, थोड़ा क्लोज अप लुक ज़ेब्रास का, आई मीन ज़ेब्रा तो यहाँ पे, जिराफ का। सब खाने में बिजी है भाई साहब, सब। और खा भी कैसे, लटका के रखा हुआ है खाना उनका बेचारों का। वो एकदम डाइट पे, उतना तो इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। या उनका गेट एंट्रेंस देखो ना कितना लंबा है। ये कितना क्यूट है, छोटा सा। सब अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं उधर इधर। ये भाई अपने वाइफ को प्रपोज करते हुए। Hey, it's proposing. They are like, why are you angry with me? I didn't eat your banana today. Please. I will wash all utensils. I will wash all the utensils. The same. Oh, nice. ये कितना सही है? ऐसे ऐसे मिलने जाना है ना। God accelerator ले। अब मालूम क्या है? Hey, let's show them the movie Rise of the Planet of the Apes. They will get buzzards everywhere. Oh shit. Hey, என்னடா உன் இடத்துக்கு எல்லாம் ஆகுறது பண்றா? भाई आज यार बुरा नहीं है क्या? बुरा हो गया, लायन का शो नहीं है अभी, पर हम उनके गुफा में जा सकते हैं। वही उनके गुफा में जा सकते हैं। Hey buddy. Hey. Their standing position is so cute. तो ये फेनिक्स फॉक्स है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ से आपको क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बेचारा छुप के बैठा हुआ है। भाई तेरे को पैसे दिए देखने के लिए, आ जा भाई।
तो भाई ये गोरिल्ला का इंक्लोजर है, सो इट्स वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास। दिख नहीं रहा है फिलहाल तो, सो दिस इज़ द केव। और कितना प्यारा सा बनाया हुआ है उसका एक पंजा। डर गया मैं, डर गया। ये गोरिल्ला यहाँ बैठी है, गोरिल्ला नहीं गोरिल्ला लल्ला। अंगूरी बोलती है ना गोरिल्ला लल्ला। ये डर के भाग गया वो। भाई दिखा दिखा दिखा, अब ये एक केस से दूसरे केस जा रहा है। ओ नाराज लग रहा है किसी से तो, कैसे बैठा हुआ है बेचारा। Oh shit! Damn! He's like audience is watching you and you're hiding. Why tension when you do this? Why? Monday, Monday, Monday. You are going to take care of the people. Seal show. Ready? This guy was born 4.5 years ago right here at Taronga Zoo as a part of our important breeding program of this really rare species. His name, everyone, is Moby. How about a big welcome for Moby and his trainer, Angela? Angela asks Moby to go for a walk. Watch as he uses all four flippers to do this and climb up onto the wall. Something that eared seals, which are fur seals and sea lions, do really quite well. They're pretty powerful though. They use their front flippers to propel themselves in the water. Why don't we have a look at that? Well, and he's going to show us one more thing. Sure, yeah, give him a clap, thank you. A great way to start things off, but he's not going to leave without showing us just how strong he is. Well, there's seals in other parts of the world as well. One of the most commonly seen seals on Earth, you'll often see a whistle blown or hear a whistle blown at a very high pitch. That whistle's called a bridge. It bridges the correct behaviour done at exactly the right time with the reward that the seal understands will soon follow. It's a soft layer underneath, keeping their skin dry and warm during the cooler months. If you're lucky enough to see a seal right here in Sydney Harbour, or idea of how strong these little seals are, Abel, Bondi and Kiki, our New Zealand fur seals here at Taronga Zoo, are part of a study. More recently, we've measured and weighed these seals and provided that data to the National Parks and Wildlife Service and other rescue agencies too. This year, they'll be using drones to view any seals that may have been washed. Well, no doubt you'll notice Dana walking across the front, showing her extreme cowardice as she gets ready to give Now, it's a big population of Californian sea lions that live downtown in San Francisco. Hence this guy's name, and he's done a great job too. That's Cisco. Yep. Yeah.
वो करेगा कुछ तो उसको। अच्छा सब आ रहे हैं। That's a move, baby. Well, this was really awesome. Like, if you're coming to this zoo, don't miss this. This is the highlight of the show. भाई guess करो सांप कहाँ है यहाँ पे? हाँ. Guess करो. भाई ये देखो सांप. This is so beautiful. कितना शानदार है ना? Beautiful, right? How come? ये मार एक दूसरे को मार क्यों नहीं रहे? कैसे नहीं रहे? वो आ रहा है मेरी फोटो लेने। Wow. Hey, buddy. How are you? तो ये भाई साहब की बहुत ज़्यादा तलाश थी हम लोग को। सांप की जैसे आई लैश वाइपर, इसकी पलके हैं भाई, दिख तो नहीं रही है पर पलके हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दूर से बताओ, नज़दीक से नहीं आएगा, डर लगेगा। और आई होप आपने जो भी देखा अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग को कवर अप करने के लिए, और मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ उसमें क्योंकि देखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वही एक्सपीरियंस करें जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लेट अस नो। ओके तो चलते आगे। तो ऑलमोस्ट आधा जू तो हमने देख लिया है जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बस एक टाइगर सफारी, एलिफेंट सफारी और आई मीन टाइगर ट्रैक, एलिफेंट ट्रैक और ये स्काई ट्रेन देखा आपने, वो बचा हुआ है। और कुछ चीज़ें होंगी तो विल हैव आर फूड। तो खाना खाने के बाद हम बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। गाइस वी आर डन विद द फूड, नाउ वी आर गोइंग टू बाय सम आइसक्रीम्स। गर्मी बहुत है तो सोचा कि आइसक्रीम बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा टू कूल आवरसेल्व्स डाउन। सो देखो भाई मेरा गैंग है आइसक्रीम ले रहा होगा। तो ये ऐसा है मेरा आइसक्रीम, कलरफुल, कुछ टेस्ट नहीं है, खाली कलर है बस। गर्मी भगा सकती है। हाँ वो मैंगो वाला बेटर है जो भारती खा रही है। ये ओकेश थोड़ी छांव होती ना मज़ा आ जाता था घूमने के लिए। शेर के स्ट्राइप्स सोया हुआ है क्या यार, पैसे बर्बाद हो गए आधे, मिल नहीं रहे देखने के लिए, सब सोए हुए हैं। अरे वाह शेट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सो मैजेस्टिक। ये मुर्गे देखने आते हैं हम लोग, इतना एक्टिव यहाँ पर नहीं। सारे जानवर सो रहे हैं सब। ये कुछ अलग तरीके का स्कैम नहीं हो गया हमारे साथ आज? उठाने की कोशिश कर रहे हैं सारे जानकारे आ गए। हाँ उठ जाओ, उठ जाओ, पब्लिक आ गई है, उठ जाओ। और जोर से बेटा, और जोर से। और सामने कोई तो शायद स्टैग है, आई डोंट नो कौन सा जानवर है, नील गाय तो नहीं है, पता नहीं।
वो तो नकली है ना। हाँ वो नकली है ना, तो ना असली है, ऐसा दिखाया जैसा असली है भाई। और बस में बैठा उसके पर वो लगता है। आप ये ना पूरे एरिया को दो तीन घंटे में कवर नहीं कर सकते, आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे अगर जल्दी जल्दी करोगे तो। आराम से इत्मीनान से खा पी के देखने के लिए बुक अ होल्ड है और अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आज जानवर सो ही रहे हैं, शायद उनको भी गर्मी लगती होगी ना यार, तो वो भी छाँव में आराम से सोए हुए हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। पर फिर भी जितना भी हो सके देखने के लिए उतना देख रहे हैं। पानी कितना नीला है भाई, पता नहीं। Here we have it. Oh, shit. Beautiful. ये पिंगू ऐसे तैर रहा है। अरे यार यहाँ क्या है, ये तो पूरी पिक्चर ही चल रही है। अब दिखा भाई तैरता हुआ। थक गया भाई। देखो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दो ना। मैं 5 तक गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 कर दो सब्सक्राइब, कमेंट भी करो, शेयर भी कर दो, ठीक है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर दो यार। बच्चा कितना क्यूट है भाई। कुछ तो दिखा जिसका चेहरा है, चेहरा फिर से छुपा लिया उसने। कैंगरू, रेड कैंगरू। तुम लोग भी सो रहे हो आज यार, मत करो ऐसा, थोड़ा एक्टिव होना था। ओह नाइस। और उसका फोटो भी निकाल रहा है मैंने। यू कैन गो। नहीं नहीं This is something else, right? It's wallaby. It's not a kangaroo. Oh, yeah. Wallaby. Smaller version called wallaby. Okay. Really? Yes. Okay. Yes. I will stand it. We both. Yeah. You both carry it, if possible. Hey, bro. He was so eager to see this, but he missed it. कितना सुंदर लग रहा है ये? It's cute. It's a bit cute. सो गाइस, थोड़ा आराम करने के बाद अब हम चल पड़े फ्री फ्लाइट बर्ड्स प्रेजेंटेशन की ओर, वो सेकंड लास्ट चीज़ है। उसके बाद हम लोग जो स्काई ट्रेन देखा था उसको पकड़ेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे बस पकड़ने के लिए। तो बस 2 या 3 चीज़ बची हुई हैं और फिर घर की ओर। तो थोड़ी देर और बने रहो, आपको ऐसा लोग बोलते हैं कि दिस इज़ अ मस्ट वॉच थिंग, तो देखते। संतोष, हाउ वाज़ द डे टुडे? इट वाज़ ऑसम मैन। बोरिंग? इट वाज़ ऑसम। नॉट बोरिंग? नॉट बोरिंग। ओके, आई वाज़ जस्ट स्टफिंग वर्ड्स इन हिज माउथ। इफ यू वांट टू हैव अ बोरिंग आंसर, नो, आई एंजॉयड इट। एवरीवन एंजॉयड इट। यस। एंड द थिंग इज
मेरे पीछे देखो किसी को चोट लगी हुई है, तो अगर आपको चोट वोट लग जाती है तो यू कैन कॉल दी क्रू, तो आपका वो फर्स्ट एड भी कर देंगे। व्हाट होम टू देम हाउ वाज द डे यू वांट टू रियली आस्क मी आई एम वेरी एग्जॉस्टेड आई एम बीइंग ऑनेस्ट ओके सो शी इज एग्जॉस्टेड व्हाट अबाउट यू आई डिड एंजॉय बट टायर्ड सो दैट्स द स्टोरी विद एवरीवन एवरीवन इज हेल टायर्ड सो दिस इज द सेकंड लास्ट थिंग ओके आई रियली एंजॉयड मैन यू शुड ट्राई इट एवरीवन शुड ट्राई इट एवरीवन शुड ट्राई इट व्हाट अबाउट रमेश हाय Just hi. It's very good. Okay. So see, everyone has a very good view about this zoo. So do take a tour of it. But book a one whole day for you. Habibi, come to Dubai. Come to Tarango. Habibi, come to Tarango. But be sure to pick a day which is not very sunny. Yeah, that's yes. true. So ये show चालू होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ. So it's like a bird show. लोग बोलते तो अच्छा है देखते कैसे है आई नाउ हैव साउंड हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज ब्रेंडन एंड आई एम वन ऑफ द ट्रेनर्स हियर एट स्प्रिंग फ्लाइट बर्ड्स आई वुड लाइक टू किक इट ऑफ टुडे दो बाय एक्नॉलेजिंग द कैमरेगो पीपल who are the traditional custodians of the land. Now, for tens of thousands of years, they've understood the connection between the land and its wildlife. And to kick it off today, though, we're going to look down and we're going to be focusing on this item here, the thick shell of an emu egg. I've got some ice on the stage today just because it is just a wee bit warm. The sun coming over, being covered by that cloud cover is quite nice. But in a moment, we're going to be joined by our black-breasted buzzard. They go by the name of Slammer. And when they join... chilling up at the back at the moment in the nest box, thinking about it, they're starting to bob their head from side to side. Here they come. Ooh. Yeah, good reaction. So everyone, this is Wraith. And as Avana, this looks like Harry Potter's Hedwig. Close to people. No? So regardless of where you live, make sure you spend a bit of time looking up. You may see a beautiful bird like Wraith flying past. I love them. And the mysterious appeal of ours goes well beyond their role in nature. Ooh. I do appreciate the enthusiasm, but keep your hands down. Or I will cry myself to sleep tonight. Now, when it comes to birds like that, we will not find any wild ones here at Taronga. We're very lucky. Yellow dots. Ooh. With red, yellow, and orange barn. Beautiful. We have two volunteers that are helping us out today, demonstrating this concept of Taronga's habitat. We've got one over there with Kelsey, and I believe you're my other volunteer. Yeah, stand up for me, but I'll get you to keep your hands down. What's your name? Kate, can you be standing up in your seat for me? Thank you very much. Now, for those on the other side of the theatre, hopefully being nice and close, you can appreciate just how beautiful these birds are. He's got his hand on his hand. Volunteer is doing it. He's scared. In a moment, everyone on this side is going to have that same opportunity. All right, Kate, put your hands out this side for me. Best tree impersonation, here we go. Yeah. It's nice and still. Fantastic job. So Monotoka and Hakia, they get their names from different types of trees that you are going to find in red-tailed black cockatoo habitat. It's a really good reminder of the connection these animals have with the ecosystems that they're a part of. Yeah, put your hands down. We'll do that one more time. You may have noticed that they are messy eaters. Cockatoos definitely get a reputation for this. That allows a very important role. And I think they drop does have the opportunity to grow again and lead to habitat restoration. Hands up, Kate. That's it. Nice. So we can एक दुखद खबर स्काई सफारी हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ का जो क्रू है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद बारिश होने वाली है और लाइटनिंग भी होगी तो थोड़ा खतरा है उसको तो लोगों ने अभी सबको पार्ट कैंसिल कर दिया है आज के लिए और सब लोग को ऊपर बोल कि निकल लो यहाँ से अभी तो हम लोग तो चलो गेट पे थे अभी घर पे जा रहे हैं घर पे क्या अभी फेरी पकड़ने के लिए जा रहे हैं अभी घर जाएंगे अभी कुछ बचा नहीं यहाँ देखने के लिए बस यही है सैडली हम नहीं कर पाएंगे आज का सफारी कैन वी टेक अ सेल्फी विद दिस यप
children ka zoo. बनाया तो बहुत ब्यूटीफुल है इसको, इट्स रियली ब्यूटीफुल. इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब बहुत अच्छा है. सर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक आगे यहाँ पर फेरी का स्टेशन तो है ही, बस भी है, तो बस भी आती है यहाँ तक. तो आप ऊपर से टॉप पे जाओ या फिर ये बॉटम लेवल पे आओ जहाँ जो स्काई सफारी का एंडिंग है वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है. अब वहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर. तो बस लाइटिंग की वजह से हम स्काई सफारी नहीं कर पा रहे, तो हम लोग यहाँ से अभी एग्जिट कर रहे हैं कि ऊपर तक कौन जाएगा फिर से चल के, बेवजह की थकावट होगी ना. ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. तो व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप आपको मज़ा आया होगा. तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. सो बाय फ्रॉम एवरीवन. बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.